हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोहिस्टिक्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि एक बैटरी चार्जर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर के ऊपर बेस्ड है। आज हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी सरफेस को टच किए बिना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, इसके पास जाते ही ये एलईडी हमारी ग्लो होने लग गई और जो बजर हमारा वो साउंड दे रहा है। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई भी हमें साउंड नहीं आ रही है, जो फेस वाली लाइन है उस पर हमें साउंड मिल रही है। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, साउंड बंद हो जाती है। फेस की तरफ करूँगा तो साउंड आ रही है। गाइस, मे बी आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी सेम टॉपिक के ऊपर, जिसमें वो आपको नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर बना के दिखाते हैं। बट जो कमी मुझे वहाँ पर लगी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि वो सिर्फ आपको सर्किट बना के दिखा देते हैं, वर्किंग दिखा देते हैं कि वर्क कर रहा है, बट वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उसका सर्किट डायग्राम, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं उसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, आपको उसकी वर्किंग बताऊंगा, आफ्टर दैट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्किट डायग्राम से भी पहले उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वर्किंग का। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं बेसिकली डार्लिंगटन पेयर के ऊपर। अब ये डार्लिंगटन पेयर क्या होता है, सपोज आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर में ये कलेक्टर है, ये एमिटर है और ये बेस है, ये एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। अगर यहाँ पे बेस के ऊपर एक स्मॉल करंट मैं दूंगा, यहाँ पे स्मॉल सिग्नल दूंगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस बीटा टाइम लार्जर करंट कलेक्टर टू एमीटर में फ्लो करेगा। मतलब कलेक्टर टू एमीटर जो करंट फ्लो करता है वो बीटा टाइम लार्जर होता है बेस करंट से। और जो डार्लिंगटन पेयर है उसमें ऐसे ही मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक और ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसमें क्या होगा, सेम ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस एमीटर को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ अनदर ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, और दोनों के कलेक्टर को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, और यहाँ से ये मेरे पास आउटपुट आ जाए, तो ये डार्लिंगटन पेयर बन गया। इसमें दो ट्रांजिस्टर्स हमारे आ गए। और यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर्स में। उसमें होता क्या है, जो बेस है, बेस के ऊपर एक कॉयल लगी होती है, एक कॉपर वायर की यहाँ पे कॉयल बना के लगाई होती है, जो एज अ एंटीना काम करती है। वो यहाँ से कुछ सिग्नल रिसीव करती है और इस बेस को देती है, वो ये ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करके अनदर ट्रांजिस्टर को देता है, और यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर ऐड किया जाता है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो फिर भी चल जाएगा, बट बेटर सेंसिटिविटी के लिए 3 या 4 ट्रांजिस्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर हम ऐड कर देते हैं, और इसका जो एमिटर है इसके बेस के ऊपर और कलेक्टर तीनों के आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से आउटपुट आ जाएगी। इसका कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, सेम यहाँ पे बेस है, कलेक्टर है और ये एमिटर है। इस तरीके से अब यहाँ पे जो बेस पे सिग्नल आ रहा है वो बीटा टाइम लार्जर है इस बेस से, और वो बीटा टाइम लार्जर है इस बेस से। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आउटपुट के ऊपर एक हम एलईडी कनेक्ट कर दें, यहाँ पे मैं कलेक्टर और एमिटर के साथ एलईडी कनेक्ट करनी है, तो पावर सोर्स भी मेरे को यहीं पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी ऐड कर देता हूँ 9 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की मेरी बैटरी आ गई, और एक एलईडी लेके उसका नेगेटिव टर्मिनल मैं कलेक्टर के साथ लगा देता हूँ, और एक रेजिस्टर लगा के उसको मैं एमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा सर्किट कम्प्लीट हो गया है। और फोर्थ सपोज इस एलईडी को ग्लो करने के लिए 10 मिली एम्पियर का करंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर 10 मिली एम्पियर मेरे को फ्लो करवाना है, तो यहाँ पे बेस पे जो करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 100 टाइम्स स्मॉलर देन 10 एम्पियर होगी। और
इस बेस पे जो करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अगेन 100 टाइम स्मॉलर होगी, और इस बेस पे और 100 टाइम स्मॉलर। मीन्स जो एंटीना हमारा करंट ड्रॉ कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनो एम्पियर के आसपास आ जाएगा, यानी कि इतने स्मॉल करंट पे ये हमारा डिवाइस है जो काम करता है। अब यहाँ पे नॉर्मल LED लगा के सब लोग दिखा देते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके साथ एक बज़र भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको साउंड इफेक्ट भी साथ में मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक बज़र ऐड कर दूँ, तो यहीं पे मैं बज़र भी ऐड कर देता हूँ एक, यहाँ पे मैंने बज़र लगा दिया। बज़र का जो नेगेटिव है मैं कलेक्टर के साथ, और पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा बज़र है, बी से डिनोट कर दिया मैंने। यह सर्किट अगर हम बना लें तो ये सेम वर्क करेगा नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर की तरह। कैसे होगा? यहाँ पे एंटीना ने कुछ करंट हमारी सरफेस से पिक किया, और वो कैसे पिक किया? बेसिकली ये जो एंटीना है ये कैपेसिटर के एक एंड की तरह काम कर रहा है। जो भी हमारी पावर सप्लाईज होती हैं, मेन लाइंस होती हैं, उनको रेफरेंस मिलता है अर्थ से। मीन्स अर्थ एक सरफेस है और दूसरी सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में कुछ कैपेसिटेंस होगी। यहाँ पे अगर मैं अर्थ बना दूँ, ये हमारी अर्थ है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस होगी। उस कैपेसिटेंस की वजह से ये सिग्नल को रिसीव करता है। कि इस एरिया को अगर हम और इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन सर्किट और अच्छे से वर्क करेगा, सिग्नल और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मिलेगा। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये कैपेसिटर के एक प्लेट की तरह काम कर रहा है, दूसरी प्लेट की तरह अर्थ काम कर रही है, दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होके बेस को मिल रहा है, देन एम्पलीफाई होके दूसरे ट्रांजिस्टर पर, देन एम्पलीफाई होके तीसरे ट्रांजिस्टर पर, उसके ऊपर से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर्स का। तो चलिए इस सर्किट को भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि एग्जैक्ट सेम ऐसे वर्क कर रहा है या फिर नहीं। इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, PCB है, 3 ट्रांजिस्टर्स हैं NPN। यहाँ पे मैं BC547 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। एक 330 ओम का रजिस्टर, एक LED और एक बजर। ये सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम अभी सेम सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो PCB के ऊपर मेरे को ये सारे कंपोनेंट्स को लगाना है। तो ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये 3 ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको मैं एक एक करके यहाँ पे लगाऊंगा। तो कंपोनेंट्स को PCB के ऊपर लगाना, सोल्डरिंग करना, बहुत सारी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इन कंपोनेंट्स को लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये सारे कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। ये LED रह गई है, और LED को मैं यहाँ पे इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। प्लेस कर दिया है, अब इनके हम कनेक्शंस बनाएंगे। तरफ से आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स की लग्स को मैंने बेंड कर दिया ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम सोल्डर की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और लास्ट में इस एंटीना को हम इस साइड से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं इनको जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ। ये सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है, ये सारे अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं। तो जो इनकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको मैं वायर कटर की हेल्प से काट लेता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा लेग्स को भी यहाँ पे काट लिया है। अब इन सारे कंपोनेंट्स को सर्किट के अकॉर्डिंगली आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे सर्किट के सारे कनेक्शंस मैंने बना लिए हैं, ट्रैक्स बना लिए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऐसी सोल्डरिंग कैसे करते हैं तो इसके लिए मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू सोल्डर ऑन ज़ीरो पीसीबी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे सेम सर्किट अभी हम लोगों ने बना लिया है और एंटीना मैंने इस पॉइंट के साथ इस साइड से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी के लिए ये कनेक्टर छोड़ दिया है। अभी मेरे पास एक प्लास्टिक का ये स्मॉल बॉक्स है, तो मैं इस सर्किट को इस बॉक्स के अंदर फिट करूंगा, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो फिट करने के लिए पहले तो मैं एंटीना यहाँ से हटा लूँगा, बिकॉज़ एंटीना हमें बॉक्स से बाहर निकालना होगा। तो मैं डीसोल्डर करके इसको एंटीना को यहाँ से हटा लेता हूँ और एंटीना को इस बॉक्स में मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक होल किया हुआ है, वहाँ से मैंने इस एंटीना को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और अब इस सर्किट में यहाँ पे एंटीना हमें कनेक्ट करना है, तो एंटीना को यहाँ पे मैं सोल्डर करूँगा। तो मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में सर्किट को डाल के एंटीना को सोल्डर कर लिया है। अब हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे और इसकी वर्किंग हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है जो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। चलिए कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया है। इसको बैटरी को हम इसी बॉक्स के अंदर रख के बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब इस हमारे जो हमने मॉड्यूल बनाया है इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं एक एक्सटेंशन बॉक्स यहाँ पे लेके आता हूँ। पहले ये मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन बॉक्स है और ये जो हमने सर्किट बनाया है, तो अभी इसको इस पावर के पास हम लेके जाते हैं। देख सकते हैं पास जाते ही एलईडी ग्लो होने लग गई है और जो हमारा बजर है वो साउंड दे रहा है। जैसे हम दूर करेंगे एलईडी बंद हो गई है और पास जाते ही ऑन होने लग जाती है, यानी कि ये जो हमारा सर्किट है बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो बेटर मैं यहाँ पे ये स्टिकर उतार देता हूँ जिससे आपको एलईडी प्रॉपर ग्लो करती हुई दिख जाए। तो इस बॉक्स से मैंने ये स्टिकर हटा दिया है। चलिए इसको दोबारा चेक करते हैं। देखते हैं इसके पास जाते ही ये एलईडी हमारी ग्लो होने लग गई और जो बजर हमारा वो साउंड दे रहा है। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई भी हमें साउंड नहीं आ रही है, जो फेस वाली लाइन है उस पर हमें साउंड मिल रही है। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, साउंड बंद हो जाती है। फेस की तरफ करूँगा तो साउंड आ रही है, यानी कि आप इससे किसी भी वायर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लेके आता हूं और उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।